बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम सुपर एक्सीलेंट एकेडमिक एंड इंटेलिजेंट बुक की इंटेलिजेंट टेस्ट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम दी रेस्ट? कराची, काबल, दिल्ली, ढाका। इसमें ढाका, दिल्ली, काबल ये कैपिटल हैं, यानी दारुल हुकूमत, जबकि कराची नॉर्मल सिटी है। क्वेश्चन नंबर 2, ए फीड इज कोडेड एज 4332, देन डीफ इज कोडेड एज 2334, मीन एफ 4EE332D। इसलिए ऐसे हमारा आंसर आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3, इफ फैट इज टू टेफ देन टेर इज टू रैट, मीन TEF रिवर्स मारा है। इसी तरह इसमें भी रैट में भी आप RAT को रिवर्स करेंगे तो इसका आंसर आएगा रैट। क्वेश्चन नंबर 4, माई मदर इज योर ब्रदर सिस्टर, वट इज आई टू यू? तो यहां नेफ्यू, इसका आंसर बनेगा नेफ्यू। क्वेश्चन नंबर 5, कमाल इज ओल्डर देन जमाल, जमाल इज ओल्डर देन हुसैन, हुसैन इज ओल्डर देन वकार, हु इज दी ओल्डेस्ट? यानी इनमें सबसे बड़ा कौन है, इसमें से बड़ा कमाल सबसे बड़ा है। क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? हाई, ग्रेट, फैट, स्मॉल, बिग। इसमें बिग बड़ा, स्मॉल छोटा, फैट मोटा, हाई ऊंचा और ग्रेट अजीम। अब ये सब कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन है, बल्कि कॉमन नाउन और ग्रेट जो है इसमें से एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसलिए ये इनमें डिफर करता है। क्वेश्चन नंबर 7, फॉरेस्ट आर यूजफुल बिकॉज दे मेक द कंट्री ब्यूटीफुल, ये मुल्क को खूबसूरत बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, अजरा इज ओल्डर देन मुनीर एंड मुनीर इज यंगर देन जवेद, यानी अजरा बड़ी है मुनीर से और मुनीर छोटा है जवेद से, देन अजरा इज, आगे कुछ नहीं पूछा गया इसलिए कैन नॉट से व्हाट। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट नंबर कम्स नेक्स्ट इन द सीरीज? 6 डिवाइडेड 2, 3, 8 डिवाइडेड 4, 2, 9 डिवाइडेड 3, इसका आंसर आएगा 3। क्वेश्चन नंबर 10, सेलर इज टू एयर फोर्स देन एयरमैन इज टू नेवी, नेवी में सिपाही को सेलर कहते हैं जबकि एयरफोर्स में सिपाही को एयरमैन कहते हैं, इसलिए से इसका आंसर आएगा सी, नेवी। क्वेश्चन नंबर 11, इफ यस्टरडे वाज मंडे व्हाट डे इज आफ्टर टुमारो, अगर गुजरा दिन सोमवार था तो परसों क्या दिन होगा, वो थर्सडे जुमेरात। क्वेश्चन नंबर 12, माउंटेन इज टू हाई देन ट्रेन इज टू लेंथ, पहाड़ ऊंचे होते हैं जबकि ट्रेन लंबी। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 8 मल्टीप्लाई 1 बाय 4, 2 आंसर होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 मल्टीप्लाई 1 बाय 4, इसका आंसर होगा 1 बाय 2, और 1 बाय 2 को अगर 1 बटा 4 से जरब दें तो इसका आंसर आएगा 1 बटा 8, और 1 बटा 8 को जरब जब हम 1 बटा 4 से जरब देंगे तो इसका आंसर आएगा 1 बटा 32, यानी 1 बाय 32। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। तो इसमें से पहले में एक अल्फाबेट का गैप है ए और सी के दरमियान, और सी और एफ के दरमियान दो अल्फाबेट्स, तीन अल्फाबेट्स का गैप है। इफ इन एवरी स्टेप इंक्रीज वन अल्फाबेट्स, यानी कि यहां ने एक एक अल्फाबेट, यहां दो हो गए हैं, यहां तीन हो गए, तो हमारा आंसर आएगा जे। क्वेश्चन नंबर 15, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट? मिलन, ऑरेंज, कैरेट, मैंगो। मैंगो, ऑरेंज और मिलन ये फ्रूट हैं जबकि कैरेट सब्जी है, इसलिए ये डिफर करती है। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज? 2 प्लस 2 4,
4 प्लस 4 8, 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 8 22, यानी यहां 2 का जमा किया, यहां 4 जमा किया, यहां 6 जमा किया, यहां 8 जमा किया, तो आपके पास जवाब आया 22। क्वेश्चन नंबर 17, मरी इज कूल एज जैकबाबाद इज टू हॉट। मरी ठंडा तरीन इलाका है जबकि जैकबाबाद गर्म तरीन इलाका है। क्वेश्चन नंबर 18, कैरेट कार हैव मिरर बिकॉज कार में जो शीशा लगा होता है टू सी द कार कमिंग फ्रॉम बैक वर्ल्ड, जो पीछे से कार आ रही है उसको देखने के लिए शीशा लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, वी गेट एजुकेशन बिकॉज टू पॉलिश आवर सेल्फ इन एवरी स्टेप्स, अपना शऊर बुलंद करने के लिए हम एजुकेशन हर फील्ड में हासिल करते हैं ताकि हमारा शऊर बढ़ जाए। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, 18 माइनस 5 13, 13 माइनस 4 9, 9 माइनस 3 6, 6 माइनस 2 4, तो इसका आंसर आएगा 4। क्वेश्चन नंबर 21, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, फरवरी दिसंबर जून मंडे, तो इसमें मंडे दिन है बाकी सारे मंथ हैं इसलिए ऐसे ये डिफर करता है। क्वेश्चन नंबर 22, विच वन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, कार कैरेट एयरक्राफ्ट शिप, इसमें शिप एयरक्राफ्ट और कार ये सारे एक जैसे हैं, यानी में इंजन इंजन होता है जबकि कैरेट इसमें इंजन नहीं होता, ये इंजन के बगैर होता है, इसलिए इसका जवाब कैरेट होगा। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट विल कम नेक्स्ट इन द फॉलोइंग सीरीज, 34 माइनस 10 24, माइनस 8 16, माइनस 6 10, 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 2 4, इसका आंसर आएगा बी 4। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट लेटर कम अल्फाबेटिकली इन द वर्ड फ्लक्चुएशन, इसमें डियर स्टूडेंट आपने करना यह है, इस किस्म के जब भी कोई सवाल आए तो आपने यहां से एबीसी पढ़ना शुरू कर देना है, तो जो अल्फाज आप जबान से निकालें और कर्सर उसकी लाइन में आ जाए तो समझो वो आपका जवाब होगा। यहां आप समझने की कोशिश करें, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, अब आई मैं कह भी रहा हूं और कर्सर भी आई की लाइन में आ गया इसलिए हमारा जवाब होगा आई। क्वेश्चन नंबर 25, इफ क्रीप इज टू कट देन ग्रीन इज टू, यहां डबल ई को यू से आर डबल ई को आप यू से चेंज करेंगे तो बनेगा कप, इसी तरह आर डबल ई को यू से करेंगे तो इसका आंसर आएगा गन।